बताऊंगा कि कैसे आप जो कल लॉन्च होने वाला है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5, उसको आप कैसे फ्लैश सेल जो हो रहा है उसमें आप कैसे खरीद सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जैसे कि आप उसमें खरीद सकते हैं कोई झंझट के, ठीक है। पहला टिप्स ये है कि आप जब भी सेल स्टार्ट होगा ना, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल भी ये कीजिए और जब भी आएगा ये फ्लैश सेल, तब ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 12 बजे उसका सेल स्टार्ट होता है तो आपको 11:50 से ही उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। कहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूँ। मैं अभी फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट ओपन किया, यहाँ पे Redmi Note 5 में गया, ठीक है। हमको Redmi Note 5 Pro चाहिए तो मैं Redmi Note 5 Pro लिया, तब नोटिफाई में कर दिया, ठीक है। अभी देखिए हमको ये ब्लैक वाला चाहिए, ठीक है। मैं क्लिक किया, ये अभी रिफ्रेश हो रहा है। आपको क्या करना है, देखो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से नोटिफाई में रखा हुआ होता है, वो क्या करते हैं कि जब 12 बजता है वहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं और ये रिफ्रेश हो जाता है, बाय नाउ में नहीं आता है, लिखता है कि स्टॉक आउट। उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी 12 बजने से 10 मिनट पहले आपको इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश यहाँ से नहीं करेंगे, रिफ्रेश आपको रिफ्रेश यहाँ से करना पड़ेगा, मतलब कि इसको क्लिक करोगे, लिखा होगा नोटिफाई में बैक करोगे, फिर से ओपन करोगे नोटिफाई में बैक, ऐसे करते रहोगे, ठीक है। 50 से करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 58 अगर हो गया ना, 11:58 से ये काम कर देना है आपको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको देखना है, ये अवेलेबल है, ठीक है। आपको रिफ्रेश कैसे करना है, यहाँ से करना है, इसको क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बैक कीजिए, ऐसा करने से वो रिफ्रेश होता है, ठीक है। रिफ्रेश होता है, जब बाय नाउ आएगा ना, सडनली दबा देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले से ही एड्रेस दे देना है, ठीक है, एड्रेस दे देना है आपको। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको एड्रेस ऐड करना है, आप यहाँ से भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं माय अकाउंट में जाके, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप, देखिए मैं यहाँ पर माय एड्रेस में जाऊँगा, ठीक है। माय एड्रेसेस में मेरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको पहले से ही करना है, एड्रेस आपको पहले से ही भरना है, नहीं तो ये स्टॉकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी बात है, एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस को पहले ऐड करना है, सेकेंड चीज़ आप उसको रिफ्रेश करना है। ये इस दोनों चीज़ को अगर आप कर दिए ना तो ख़त्म, आपका फ्लैश सेल में लग गया आपका, ठीक। अगर आप जो Redmi Note 5 Pro है उसका एक प्रीव्यू लेना चाहते हैं कि कैसा वो आएगा, वो पेज आएगा, रीलोड होगा, तो आप कोई भी पेज ले लीजिए अभी, ठीक है। सोच लीजिए कि ये अभी रिफ्रेश हो गया, बाय नाउ आ गया, अभी बाय नाउ में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद ये डिलीवरी पेज दिखाई देगा, ठीक है। आप एड्रेस चेक कर लीजिए कि ये है, और सोच लीजिए कि ये आपका प्रोडक्ट है Redmi Note 5 Pro, ठीक है। हो गया, कंटिन्यू मार दीजिए, ठीक है। कंटिन्यू मारने के बाद आपको आएगा पेमेंट वाला ऑप्शन, ठीक है। पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया, आपको जो भी चूज करना है, मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, प्लेस ऑर्डर मार दिया, ठीक है। यही आपको करना है, इसलिए पहला चीज है आपको एड्रेस को फिक्स करना है, एड्रेस को आपको रखना है पहले से ही, और जब 11:58 होगा तभी आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी से ही इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और 12 घंटा बाकी है, ठीक है। यहाँ से नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश मारो, नोटिफाई में लिखा होगा
रिफ्रेश मारो, नोटिफाई में लिखा होगा बैक जाओ, फिर से मारो। ऐसा करने से जो रिफ्रेश होगा ना, आपका पेज जब लोड होगा आपका लग जाएगा उसमें, और आप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। तो देखते हैं कल क्या होगा। थैंक यू।